कैप्टन साहब चाहते क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी निकाल दे? जब आपसे पद चला गया तो फिर इस तरीके की मतलब बातें कहने में शोभा देता है क्या आपको? आप हर 5 महीने में कह देते थे कि राहुल जी को अध्यक्ष बनाओ, राहुल जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज वही राहुल जी आपको अनुभव ही एकदम दिखने लगे हैं, तो ये तो मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाता जो समझ नहीं पा रहा वो कह क्या है। जब आप पहली टर्म में मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने थे तो कांग्रेस में कोई बहुत स्वीकार्यता नहीं थी आपकी, भट्टल जी थी और बहुत से नेता थे जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि आप तो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, दूसरी पार्टी से आए थे। तो बहुत स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश से ज्यादा बल्कि 70-80% विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री बदला जाए। तो अगर 80% के करीब विधायक चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बदला जाए तो फिर बहुत कम रास्ते बच जाते हैं किसी के पास कि हम बदलाव ना करें, क्योंकि उस समय इनको लगता था कि किसी की तारीफ कर मैं गद्दी पे काबिज रहूंगा तो उनकी तारीफ करते थे। आज इनको गद्दी छूट गई, आज इनको लग रहा है कि मुझे इस दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान पे चलो, तो ये दिखा रहे हैं कि ये ग्राहक है नेता नहीं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं बेचारे, आत्मघाती रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आत्मघाती रास्ते पे जा रहे हैं। पंजाब में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बागी हो गए हैं और पूरी तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं। देर शाम कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे जो प्रदेश के प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में लिखा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ एक स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा जाएगा। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। कैप्टन साहब चाहते क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी निकाल दे, इसलिए इस तरह की बातें? मुझे हो सकता है, वो तो वही जाने। आप मतलब ये जो इसका ये खिसियाने वाली जो इनकी हरकतें हैं ये शोभा नहीं देती हैं। बड़े सीनियर लीडर हो आप अच्छे खासे मुख्यमंत्री रहे और आप बल्कि मैं तो कप्तान साहब से एक चीज़ पूछूंगा कि जब आप पहली टर्म में मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने थे तो कांग्रेस में कोई बहुत स्वीकार्यता नहीं थी आपकी, भट्टल जी थी और बहुत से नेता थे जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि आप तो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, दूसरी पार्टी से आए थे। और हाँ, आपने अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं से संबंधों को इस्तेमाल करके अपने आप को आगे किया। वो हर पार्टी में होता है, जरूरी थोड़ी है, सब जगह होता है। तो उस समय तो बड़ी आपको कांग्रेस अच्छी लगती थी भाई। आपने 2 या 3 साल से बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, हमें एक सशक्त अध्यक्ष चाहिए। कई लोगों के नाम लेते हैं करते हैं। तब तो आप हर 5 महीने में कह देते थे कि राहुल जी को अध्यक्ष बनाओ, राहुल जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज वही राहुल जी आपको अनुभव ही एकदम दिखने लगे हैं, तो ये तो मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाता जो समझ नहीं पा रहा वो कह क्या रहा है। मैं आप सतत अपनी बात कहिए भाई, ठीक है, आपको ये लगता है कि आपको नहीं हटाना चाहिए था, मैं मानता हूँ आपका अपना मत हो सकता है, पर 45 से 50 विधायक क्यों चले गए उस मीटिंग में जिसमें आपके खिलाफ निर्णय हुआ, तो वो भी आपको बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो ये तो खिसियाते हुए व्यक्ति की बातचीत है, इनको शोभा नहीं देता। मतलब मैं कप्तान साहब से कहूँगा, आप इतने गरिमामय व्यक्ति रहे हैं, जब आपसे पद चला गया तो फिर इस तरीके की मतलब बातें कहने में शोभा देता है क्या आपको? वो कह रहे हैं कि मैंने तो 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को बोला था कि आप ले लीजिए, मैं अपना पेपर रखने के लिए तैयार हूँ, तब तो उन्होंने कहा कंटिन्यू करो। वो ये कह रहे हैं कि मैं हार के राजनीति नहीं छोड़ूंगा, जीत के राजनीति, मतलब विनिंग नोट पे पॉलिटिक्स से रिटायर होऊंगा। तो ये सारी बातें क्या कांग्रेस में रह के वो तो नहीं कर सकते? जिस तरह की भाषा और जिस तरह से वो सीधे नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को जाने दीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई, अब तो वो राहुल प्रियंका के ऊपर भी सवाल नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सवाल जब अपने पे पड़ी तो सवाल आ गए भाई, इसमें तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यही राहुल जी का गुणगान तो यही करते थे 2-3 साल से। मुझे तो याद है कि जब भी कोई डिमांड आती थी कि हमें पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, हमें अध्यक्ष चाहिए, तो पट्टे से ये सामने आ जाते थे कि अध्यक्ष तो है और बनना चाहिए तो राहुल जी को बनना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया कि वो ही राहुल जी इनको 6 महीने पहले बहुत पसंद थे, आज पसंद नहीं है? 3 महीने पहले बहुत अच्छे थे, आज अच्छे नहीं है? ये तो कोई तुक नहीं दिखता ना। इसका मतलब है केवल क्योंकि उस समय इनको लगता था कि किसी की तारीफ कर मैं गद्दी पे काबिज रहूंगा तो उनकी तारीफ करते थे। आज इनको गद्दी छूट गई, आज इनको लग रहा है कि मुझे इस दुकान पे कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान पे चलो, तो ये दिखा रहे हैं कि ये ग्राहक है नेता नहीं है।
बीजेपी को तो बहुत पसंद आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अनिल विज कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने एंटी नेशनल कह रहे हैं, एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर की लड़ाई में कैप्टन के पीछे बीजेपी आके खड़ी होगी? बीच हो तो देखिए, विदेशी ये क्या कहते हैं, विपक्ष की पार्टियां तो आ जाएंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कहीं भी कुछ होता है तो विपक्ष की पार्टी तो सामने आ जाती है। लेकिन विपक्ष की पार्टी को तो इस बात को भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिन चीज़ों पर इतने दिनों से वो कप्तान साहब पर उंगली उठा रहे थे, वो क्या अब सब चीज़ें पीछे ले लेंगे? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत से सवालों पर, बहुत से कामों पर सवाल खड़ी करती थी, तो वो क्या सवाल खड़ा करना बंद कर देगी? हर वो बाद में देखेंगे। इस समय कप्तान साहब को देखो, कभी कभी होता ना कि वो उनको ऐसा लगता कि मैं दहाड़ता हुआ जाऊँ, सही। और यही कप्तान हैं जिन्होंने पिछली बार कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं इसके आगे मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। अब आप कहते हो विनिंग नोट पे, जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे तो विनिंग नोट कहाँ से हो गया? अब पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू से वो जाने निपटे, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, और ये कांग्रेस से कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उनकी टिकट कटवाएंगे, खुद ही खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, ये जाने सिद्धू जाने। अभी तो ये कांग्रेस में है, तो कर रहे हैं ना कांग्रेस को, जब वो जब पार्टी के अंदर है। क्या आपको, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, क्या उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो तो पार्टी जाने, डैमेज करने की स्थिति में मेरे ख्याल से कप्तान नहीं है, ठीक है। कप्तान साहब बड़े सीनियर नेता रहे हैं, लेकिन देखिए, डैमेज वो करता है जो लोगों के बीच में जाता है, ठीक है। कप्तान साहब जब मुख्यमंत्री थे और नहीं थे, वो उनकी वो आदत नहीं है कि वो लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बातचीत करें, ठीक है। उनका एक अपना रवैया है काम करने का, वो उस रवैये से काम करते हैं, उस रवैये के कारण वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कोई कि लोगों के बीच में जाके वो कोई क्रांति पैदा कर देंगे, तो इतना उनमें मुझे नहीं लगता क्षमता है। बाकी तो समय समय है, राजनीति राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू को हराने की स्थिति में है, जो चैलेंज उन्होंने किया है कि 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सीट नहीं जीतने दूंगा, आपको लगता है ऐसी स्थिति? देखिए, मैं तो मैं नहीं जानता हूँ, तो सिद्धू जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे, मेरे हिसाब से तो सिद्धू जी लोकप्रिय हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हैं, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि सिद्धू जी को कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, यही जाने भाई। किस दिशा में जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे? जा रहे हैं जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा रहे हैं बेचारे। आत्मघाती रास्ते पर जा रहे हैं कांग्रेस, मेरे ख्याल से तो आत्मघाती रास्ते पर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई 2022 में कोई एक और समीकरण बिठाने की कोशिश करें तो पता चल जाएगा फिर? क्योंकि देखिए, बीजेपी से सबसे पहला विषय तो होगा कि किसान की जो तीन कानून हैं, इस मुद्दे पर कप्तान साहब की क्या राय रहती है। कप्तान साहब ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को तीनों कानूनों को, काले कानूनों को लाने के लिए दोषी माना है। तो एक तरीके से सही बात कही है कि कप्तान ने ये बात सीधे सीधे कही है कि ये तीनों कानून गलत हैं, देश विरोधी हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर किस बात पर कप्तान की तारीफ कर रही है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा है कि ये जो आंदोलन चला था पंजाब के किसानों का, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थीं जो देश के खिलाफ हैं, तो उन ताकतों को समर्थन करने वाले अमरिंदर सिंह अब आपको राष्ट्रभक्त दिख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तो नीति कुछ पता ही नहीं ना क्या है। वो तो इंटरनल आंदोलन खराब है, ठीक है। किसानों के मुद्दे गलत हैं, किसानों में कई लोग ऐसे हैं जो इनके, जो भारतीय जनता पार्टी के यही बीच टाइप के लोगों के हिसाब से एंटी नेशनल है, और उनको सपोर्ट करने वाला पेट्रियोटिक है कप्तान, ये कैसे हो सकता है साहब? एक आखिरी सवाल, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कैप्टन हर इंटरव्यू में कहते हैं 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए, वहां पे झप्पी पाके आ गए, तो ये सर्टिफिकेट जो वो दे रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी को वो टो कर रहे हैं, वो तो वही आइडियोलॉजी है जिसको बीजेपी प्रोपगेट कर रही है। तो आपको लगता है वो तो नवाज शरीफ जी की बेटी की शादी में प्रधानमंत्री भी गए थे, ठीक है, वो स्वाभाविक है कि एक प्रधानमंत्री ने बुलाया, हमारे प्रधानमंत्री गए, व्यक्तिगत रूप से मिले, उनसे कोशिश की। हर आदमी कोशिश करता है कि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हों, प्रधानमंत्री भी इसी कुछ कारण से गए होंगे। सिद्धू गए वहाँ, सिद्धू का उस समय ये जो कॉरिडोर वाला मसला था, और वो कॉरिडोर सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें सिद्धू एंटी नेशनल या एंटी देशभक्त कैसे हो गए, मुझे नहीं समझ में आता है। सिद्धू की लोकप्रियता कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए थ्रेट बन गया पंजाब में, आपको लगता है, और यही वजह है कि उनको आज बाहर जाना? ये तो कप्तान जाने, अगर उनको लगता है कि सिद्धू इतने लोकप्रिय हैं, पर मुझे नहीं लगता इसमें सिद्धू जी की लोकप्रियता का कोई लेना देना था उनके जाने से। मुझे जो खबर है, जो आप लोगों के माध्यम से ये बार बार निकलती थी,
कि पहले करीबन 20-25 विधायक थे जो चाहते थे कि कप्तान साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे, फिर यही नंबर 30-35 के आसपास पहुंच गया। और मुझे याद है कि टेलीविजन पर भी हम लोगों ने कहा था कि भाई जब तक अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, मुख्यमंत्री के बदलने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये बात आई कि 45-50 लोगों ने पत्र लिखा और फिर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें करीबन 45-50-55 के करीब विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कहा कि नहीं इनको बदला जाए। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर में विधायकों की मीटिंग बुलाई जिसमें सिर्फ 5 या 6 ही पहुंचे। तो बहुत स्पष्ट हो गया था कि अधिकांश से ज़्यादा बल्कि ऑलमोस्ट 70-80% विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री बदला जाए। तो अगर 80% के करीब विधायक चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बदला जाए तो फिर बहुत कम रास्ते बच जाते हैं किसी के पास कि हम बदलाव ना करें। क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने नाम लेके केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया कि ये लोग मिसगाइड करते हैं, पॉलिटिकली इमेच्योर हैं, तो क्या इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये तो बड़ा आसान है कि ये क्या कहते हैं जो सो कॉल्ड क्लर्क लोग हैं इन पर उंगली उठाना। मेरे हिसाब से तो ये सब क्लर्क हैं, इनमें कोई कांग्रेस के नेता लोग थोड़ी हैं। भाई कोई भी आदमी, अब जैसे मैं मुझे किसी को संदेशा भिजवाना है तो मैं थोड़ी भेजूंगा, अपने घर में जो काम करता हूँ उसको चिट्ठी देखो कहूँगा जाके दे आओ। कभी वो क्लार्क होगा, कभी मेरा पीए होगा, कभी चपरासी होगा, कभी कोई और, सबका अपना काम होता है, सब एक सम्मानजनक काम करते हैं, तो आप उन पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? दूसरा, यही राहुल जी तो आपको तो बहुत पसंद थे ना भाई, और मैं तो कहता हूँ कि ये क्या है, कोई राहुल गांधी जी का या सोनिया जी का किसी का व्यक्तिगत निर्णय था कि जो 45-50 विधायक आपके खिलाफ हो गए? इस बात को भी तो आप देखो ना, ये बड़े कन्वीनियंटली आप कह सकते हो कि एडवाइज़र, बी एडवाइज़र तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। आज तक कभी इन्होंने ये जो सो कॉल्ड एडवाइज़र या जो इनका जो ये स्टाफ है AICC का, इनके खिलाफ कभी आज तक बयान दिया आपने? पहली बार क्यों भाई? ये क्या है क्या नहीं है ये तो लोगों को पहले से पता है, इसमें नई बात क्या है? हम जैसे लोग तो कई बार कहते हैं, मुझको तो कई बार इनमें से सीनियर लोगों ने मुझको फ़ोन किया, मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग कौन है। पर आप तो इनको बहुत पसंद करते थे ना, यकायक ये सब बुरे कैसे लगने लगे? इन पे ठीक है फोन ना, जो भी डिसीजन है लीडरशिप का है, और जो भी होता है लीडरशिप का है, विधायकों का है, उन लोगों का है, इन लोगों का क्या मतलब है इसमें? या तो आपको कुछ लगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, तो आप हाईकमांड से उठाइए। पर मेरा ये है कि इस तरीके के काम कई बार कांग्रेस में होते हैं, जब और राज्यों में हुए तो आपको दिक्कत नहीं हुई? भाई यही तिकड़ी थी जो दिल्ली में भी मुसीबत करती थी, है ना, तब आपको कांग्रेस में दिक्कत दिखी क्या? एक बार भी किसी और के लिए कहा क्या? दूसरे किसी को दिक्कत हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपनी सीट पर काबिज हो, आप पर पड़े तो हर चीज गलत है। तो ये तो फिर दिखाता है कि स्वार्थी व्यक्ति है, इसमें कोई नेतृत्व थोड़ी है। धन्यवाद। तो साफ तौर से संदीप दीक्षित जी ने तफसील से सारी चीज़ें कहीं, और सब लबोलुभाव यही है कि विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नहीं थे, और आज की स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी तरीके से पार्टी को डैमेज करने की स्थिति में नहीं है, और आगे अगर कोई इस तरह का ये फैसला लेते हैं तो वो उनके लिए आत्मघाती होगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जा दुटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जा तोड़वाओ, रुसे नू मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।